कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की जो खबर है वो खास तौर से बासमती चावल का जो बाजार है उससे आ रही है। बासमती चावल में आने वाले टाइम में मजबूती आने का अनुमान नजर आ रहा है। खबर पर विस्तार से नजर डालते हैं तो गल फूड से बासमती धान चावल बाजार में मजबूती मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बाजार इस उम्मीद से 50 से 60 रुपए तक बढ़ चुका है। दुबई में हर साल होने वाले गल फूड आयोजन का आज आखिरी दिन है। भारत से सभी तरह के व्यापार को इसकी वजह से लगभग 350 व्यापारी और अकेले बासमती चावल के करीब 40 बड़े व्यवसायी इसमें शामिल होने की जानकारी मिली है। कुछ प्रत्यक्षदर्शी व्यापारियों ने बताया है कि गल फूड में जिस तरह से बासमती स्टॉलों पर चहल पहल देखी गई है और व्यापार को लेकर पूछ परख हुई है, उसमें नए ऑर्डर आने की पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि नई डील्स की सही जानकारी आने में समय लग सकता है, लेकिन उम्मीद को पंख लग गए हैं। हालांकि निर्यात ऑर्डर का भुगतान पहुंचाने में लाल सागर तनाव अभी भी बड़ा संकट बना हुआ है, लेकिन व्यापार तो होना ही है। और खबरों के मुताबिक 1718 सहित अन्य किस्मों में $1,000 की दर से कुछ सौदे फाइनल भी हुए हैं। मात्रा को लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। इस बीच घरेलू मार्केट में बासमती के दाम में तेजी नजर आ रही है। बासमती 1718 सेला 75 रुपए और स्टीम के 18 रुपए के भाव बोले जा रहे हैं, जो एक दो दिन पहले 5 से 6 रुपए ऊंचे हैं। 1509 सेला चावल 68 और स्टीम 74 रुपए के आसपास हो चुका है। इस दौरान धान में 50 से 75 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़त के साथ बाजारों में कारोबार देखा गया है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।